स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एक जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस की जरूरत के। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर। सर्च करने का जो सबसे पहली लिंक आएगी हम उस पर क्लिक करेंगे। तो ये लैंडिंग पेज पर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 का ऑप्शन दिखेगा। हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम। तो यहाँ पर ज्वाइन टुडे पर क्लिक करेंगे और फिर ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उससे लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट वन पर क्लिक करके नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं एक न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक नया ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है अनऑफिशियल कार्यालय। तो मैं यहाँ पर अनऑफिशियल कार्यालय 1234 के नाम से एक नया अकाउंट बना लूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर एक पासवर्ड बना लूंगा मैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका ये लैंडिंग पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो हमने अभी भी जस्ट क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ से हम अपना रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल दूंगा। यहाँ पर एक कंपनी का नाम देना है, तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम अनऑफिशियल कार्यालय है तो मैं कंपनी के नेम में अनऑफिशियल कार्यालय डाल दूंगा। लैंग्वेज प्रेफरेंस इंग्लिश रखेंगे और टर्म्स को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कस्टम सोल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे एरिया पूछेगा तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर क्लिक करना है और ये सेव कर देना है। इसके बाद आपको सैंड बॉक्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम कन्फिगरेबल सैंड बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम अपना ऑफिस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम एंटर कर दूंगा यूजर नेम जो मैंने ईमेल एड्रेस में डाला था, अनऑफिशियल कार्यालय 1234। फिर यहाँ पर क्रिएट डोमेन करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो वो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई डोमेन नहीं है तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम अनऑफिशियल कार्यालय है तो मैं यहाँ पर सेम अनऑफिशियल कार्यालय एंटर कर दूंगा सिर्फ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बन गया है, अनऑफिशियल कार्यालय 1234@ अनऑफिशियल कार्यालय .onmicrosoft.com। तो बेसिकली ये हमारी आईडी होने वाली है अपने ऑफिस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो इसे कहीं पर नोट कर लें या फिर याद करके रखें। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा इस अकाउंट के लिए, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको सेटअप पर क्लिक करना होगा। सेटअप क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी जहां पर इन प्रोग्रेस दिखाएगा, आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो सेटअप होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन सेटअप हो जाएगा और आपके पास ये लैंडिंग स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पर आपका। तो आपने जो डोमेन आईडी क्रिएट किया था वो डोमेन यहाँ पर दिखेगा आपको। तो नेक्स्ट आपको गो टू सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। आप यहाँ पर ध्यान रहे कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था और जो डोमेन क्रिएट किया था वो वाली आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और जो पासवर्ड आपने बाद में सेट किया था उसके लिए वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ पेज आ जाएगा, इसे स्किप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड कॉर्नर में इंस्टॉल एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पहले ऑप्शन को क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स के ऊपर। ध्यान रहे कि इस ऑप्शन को विजिबल होने के लिए कभी कभी कुछ टाइम भी लगता है, तो अगर आप अपना अकाउंट सेटअप करने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप 10 से 15 मिनट वेट करें और पेज को वापस रिफ्रेश करें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखता है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार ये सेटअप डाउनलोड हो जाए तो आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते वक्त ये ध्यान रहे कि आपके पास कोई दूसरा ऑफिस का एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो ये इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस अराउंड 30 से 40 मिनट ले लेता है, और आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो एक बार आपने इसे इंस्टॉल कर लिया तो आपको कोई भी एक ऑफिस का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर आपको लिख कर आ जाएगा कि ये अनलाइसेंस्ड प्रोडक्ट है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करने के लिए आपको सेम यूजर नेम और डोमेन आईडी यूज करना जो आपने क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा अपना यूजर नेम, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेना है जो आपने इस आईडी के लिए क्रिएट किया था, नेक्स्ट साइन इन। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, इस तरह से एक लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करना है उसके एंड होने के लिए, नेक्स्ट फिर डन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये अनलाइसेंस प्रोडक्ट का जो साइन है उसे हटाने के लिए सिंपली हम एक्सेल को क्लोज कर लेंगे और फिर से रिस्टार्ट करेंगे एक्सेल को। एक्सेल को वापस से रिस्टार्ट कर लेंगे हम। आप जब एक्सेल को दोबारा से लॉन्च करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि अनलाइसेंस प्रोडक्ट का जो टैग था वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट नजर आएगा आपको जिससे आपने लॉग इन किया हुआ है। अब हम जाकर देखेंगे यहाँ पर अकाउंट्स में, तो यहाँ पर भी दिखाएगा आपके पास सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है M365 एप फॉर एंटरप्राइज। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं जेन्युइन वर्जन, वो भी बिना किसी लाइसेंस के रिक्वायरमेंट के। बस इसे यूज करने से पहले आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी होगी कि एक डेवलपर लाइसेंस है
तो इस प्रोडक्ट को आप अपने कमर्शियल या बिजनेस यूज के लिए ना यूज करें। और दूसरी चीज ये कि आपका डेवलपर लाइसेंस एवरी 90 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल या वर्ड में इंटरेस्ट है तो मैं ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हो आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।